हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद उमर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 जो कि चैप्टर 2 की एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की क्लास 8 की बुक का चैप्टर है। इससे पहले की एक्सरसाइज और चैप्टर ऑलरेडी सॉल्व किए जा चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हो, उसमें आपका कोई डाउट क्लियर नहीं हुआ हो, तो आपको उन वीडियोज़ का, उन एक्सरसाइज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पर इक्वेशंस इस तरह के हैं, x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 5 इजिकल टू x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4। अभी तक हमने सिंपल इक्वेशन सॉल्व किए थे, यहाँ पर डिनोमिनेटर वाले इक्वेशन हैं सॉल्व करने के लिए, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनको हम मल्टीप्लाई करके या फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो वेरिएबल टर्म्स हैं, वेरिएबल वाले टर्म्स हैं, उनको एक साइड में कर लेना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में कर लेना है। इसको ट्रांसपोज कर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। फर्स्टली तो पहले ये राइट कर सकते हैं, हम पहले ये राइट कर लेंगे x अपॉन 2, ये x अपॉन 3 प्लस का, इधर आके माइनस का x अपॉन 3 हो जाएगा, इजिकल टू 1 अपॉन 4 बचा, इधर ये राइट कर लेंगे, और माइनस का 1 अपॉन 5 ट्रांसपोज जब किया तो ये प्लस का 1 अपॉन 5 हो जाएगा। अब बहुत ही सिंपल तरीका है, आप कैसे क्या करें, पहले नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करके नीचे राइट कर लो, 3 2 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसी इसकी 3 और x का मल्टीप्लाई 3x, फिर जो साइन है वो, फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई यानी 2 और x का हो जाएगा 2x इजिकल टू। यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे, सबसे पहले 5 4 20, इसके बाद 1 और 5 का ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 5 5, फिर यहाँ प्लस का साइन लगाना है, 4 1 4। अंडरस्टूड, ऐसे कर लेना बेटा ये। तो अब ये 3x में से 2x सेपरेट कर दिया, कितना बचेगा 1x यानी केवल x अपॉन 6 इजिकल टू, यहाँ पर 5 और 4 हो जाता है 9, ये आ गया 9 अपॉन 20। अब चूंकि हमें वैल्यू x की फाइंड करनी है, तो हम x इजिकल टू राइट कर लेंगे 9 अपॉन 20, और ये 6 है डिवाइड का है, इधर आके ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 6, काट देंगे 2 से, 2 3 6, 2 1 2, 9 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 हो जाता है 27 अपॉन 10, आंसर आपका आ गया 27 अपॉन 10। ओके डियर, यानी कि x इजिकल टू 27 अपॉन 10, दिस इज फाइनली आंसर। इसी तरह से हमको यहाँ करना है, यहाँ पर देखिए, सॉरी, 9 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 5 अपॉन 6, इसमें जो है 3 दिए हुए हैं 3 टर्म्स, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होगी, इसका हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे। एलसीएम देखिए 6 4 और 2 एलसीएम, तो हम 12 एलसीएम ले लिया, यहाँ पर नीचे राइट कर लेंगे, एलसीएम इसका कितना आ जाता है 12। ओके, अब ये 2 से आप इसको डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे एलसीएम के लिए, 2 6 12, 6 आया, 6 का और n का मल्टीप्लाई, यहाँ से देखो 2 से क्या करना है, 6 को डिवाइड, 2 6 12, 6 आया, 6 से ये जो ऊपर है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6n। अब यहाँ माइनस का साइन है, अब नेक्स्ट स्टेप है 4 से 12 को डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 3 आया, 3 से और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर जो दिया हुआ, तो 3 3 हो जाता है 9, यहाँ 9 9 हो गया, इसके बाद प्लस, अब 6 से डिवाइड करना है 12 को, 6 2 12, 2 आया, 2 से 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 5 10, यहाँ हो जाएगा 10n इजिकल टू 21 ऐड कर देंगे, ये 6n प्लस का है, 10n प्लस का है, 6 और 10 हो जाता है 16, 16 में से 9 सेपरेट करेंगे तो 7, हमारे पास बचा 7n अपॉन 12 इजिकल टू 21। अभी हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n को यहाँ राइट कर रहने देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी को 7 को 12 को ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में, यहाँ पे राइट करेंगे 21 और 12 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और डिवाइड में आ जाएगा 7, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई का है, इधर 7 बन जा 7 7 3 जा 21, 12 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 3 जा 36, यानी कि 36 ये जो है फाइनली आंसर हो गया। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्स प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इजिकल टू 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन 2। तो इसमें जो वेरिएबल टर्म्स हैं, पहले उनको कलेक्ट कीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ एक्स का एक्स राइट कर लेंगे, 7 छोड़ देंगे, 7 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, यानी कि ले जाएंगे 7 को, इसके अपॉन 1 कर लीजिए, ठीक है, एक्स अपॉन 1 माइनस 8x अपॉन 3, और ये वाला इसमें भी x जुड़ा हुआ है, तो इस टर्म को इधर ले आएंगे इस साइड में, तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 5x अपॉन 2 इजिकल टू, हमारे पास बचा 17 अपॉन 6,
ये वाला छोड़ आते 7 ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, इसके फॉर्म में बन कर लेंगे। ओके डियर, अब आपको इनका एलसीएम ले लेना है, एलसीएम ले लीजिए, 3 2 का एलसीएम हो जाता है 6 ऐड कर लीजिए यहाँ पे, 1 से 6 को डिवाइड कीजिए, 1 6 6 आया, 6 का एक्स का मल्टीप्लाई 6x, फिर यहाँ माइनस 3 से डिवाइड कीजिए 6 के लिए, 3 2 जा 2 जा 3 2 जा 6 2 आया, 2 का 8 का मल्टीप्लाई 2 8 जा 16x, फिर प्लस लगा लेंगे 2 3 जा 3 जा आया, 3 और 5 का मल्टीप्लाई 3 5 जा हो जाते हैं 15 15x हो गया इजिकल टू, इसी तरह से यहाँ करना है नीचे नीचे का मल्टीप्लाई 6 बन जा 6, फिर ऐसा ऐसा 17 बन जा 17, फिर माइनस 6 7 जा 42, चाहे ऐसे ऐड कर लो, ये प्लस का 15 और 6 होते हैं 21 में से 16 सेपरेट कर दीजिए 5, तो यहाँ आ जाएगा 5x/6 इजिकल टू, यहाँ भी सबट्रैक्ट करेंगे 17 में से 42 सबट्रैक्ट कर दीजिए, देंगे माइनस का 25/6 आ गया। अब देखिए ये x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, x इजिकल टू ऐड कर लेंगे, पहले तो यही ऐड करेंगे माइनस का 25/6, और ये जो 6 है ये मल्टीप्लाई में, और ये जो 5 है वो डिवाइड में क्योंकि वो ऊपर है, यहाँ पर ऐड कर लेंगे, 6 से 6 कट गया, 5 5 जा 25, यहाँ माइनस भी है तो x इजिकल टू माइनस 5 आंसर हो गया फाइनली, x इजिकल टू माइनस 5। नेक्स्ट है x-5/3 = x-3/5, यहाँ पर क्या करना है आपको, इधर वन टर्म है वन टर्म इधर है, तो आप क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी इससे और इसकी इससे, ऐसे करके कर दीजिए, तो 5 की जब x से करेंगे तो हो जाएगा 5x, फिर ये माइनस, फिर 5 की 5 से करेंगे 5 5 5 5 25 इजिकल टू 3 और x का मल्टीप्लाई 3x, फिर ये माइनस लगाएंगे, फिर 3 3 जा 9, बस बन गया सिंपल इक्वेशन। ये ध्यान रखें पहले इस 5 से इन दोनों के लिए मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद फिर 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इजिकल टू का साइन लगा के यहाँ ऐड कर लेंगे, ध्यान रखें इतना सा करना है बस। अब ये जो 3x है इसको इस साइड में ले आइए लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि पहले हम ऐड करेंगे 5x, 3x इधर लाएंगे प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा, 3x इजिकल टू माइनस का 9 बचा, और माइनस का 25 इधर ले आइए तो ये हो जाएगा प्लस का 25, 5x में से 3x को सबट्रैक्ट कर देंगे, 5x में से 3x सबट्रैक्ट हुआ तो कितना बचेगा 2x इजिकल टू 25 में से 9 सबट्रैक्ट कर दीजिए, कितना बचा 16, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स इजिकल टू 16 ऐड करेंगे और ये डिवाइड में आ जाएगा 2 2 बन जा 2 2 8 जा 16, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई 8, ठीक है ये आंसर हो गया आपका फाइनली। क्वेश्चन नंबर 5, 3t-2/4-2t+3/3 = 2/3-t, तो यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ पर है, यहाँ डबल डबल टर्म्स हो रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, फिलहाल हम एलसीएम लेके कर सकते हैं इसको, हम चाहें तो पहले इनकी इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 3 जा 12, यहाँ नीचे ऐड कर लिया, फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए इसकी, 3 3 जा 90 माइनस 3 2 जा 6, फिर अब ये 4 से इनको मल्टीप्लाई करते चलेंगे, माइनस 4 2 जा 80, और अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये माइनस और ये प्लस का सिस्टम बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस ये प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा 4 3 जा 12, ये मिस्टेक कर दी तो समझ लीजिए आपका आंसर रॉन्ग आएगा, तो ध्यान रखें ये ऐसा कहीं मिस्टेक ना करें, जब भी यहाँ माइनस हो तो इधर साइन चेंज हो जाना है। अब ये इजिकल टू ऐड करेंगे 2/3-t, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, 90 में से 80 सबट्रैक्ट कर दीजिए, 90 में से 80 सबट्रैक्ट किया 1t बचेगा केवल, ठीक है 1t को केवल t ऐड कर लेंगे, और माइनस का 6 माइनस का 12 हो जाता है माइनस का 18/12, और इजिकल टू 2/3, ऐसा करो इसको भी अपॉन वन कर लो, इसको भी ऐसा ही बना लो, पहले इसको 3 बन जा 3, फिर 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2, फिर 3 माइनस का साइन 3 और t का मल्टीप्लाई 3t। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमने 4 सॉल्व किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसा ही कर देंगे, इस 3 से इन सब के लिए मल्टीप्लाई कीजिए, 3 और t का मल्टीप्लाई 3t माइनस 18 और 3 का मल्टीप्लाई 54-54 इजिकल टू, अब 12 से ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कीजिए, 12 और 2 का मल्टीप्लाई 24, फिर माइनस 12 3 जा 36t, ठीक है अब ये 36t इधर ट्रांसपोर्ट कर लेंगे, ट्रांसपोज कर लीजिए इसको, यहाँ पर ऐड करेंगे 3t, ये माइनस का 36t इधर लाएंगे प्लस का 36t हो जाएगा इजिकल टू, ये इसको ट्रांसपोज करना है इधर, यहाँ पर 24 ऐड करेंगे 54 प्लस माइनस का इधर आके ये प्लस का 54 हो जाएगा,
थ्री टी और 3060 हो जाते हैं 3090 फिजिकल टू 24 और 59 448 ये हो गया 78। टी की वैल्यू फाइंड करनी है, टी इजिकल टू 78 ऐड करेंगे और ये मल्टीप्लाई के इधर आके डिवाइड में आ जाएगा 39 जा होते हैं 78 तो टी इजिकल टू 2 ये फाइनली आंसर हो गया। नेक्स्ट आपको इसी तरह से करना है, ऐसा करते हैं इसके अपॉन में 1 ऐड कर लीजिए, इसके अपॉन में भी 1 ऐड कर लीजिए, यही सॉल्व कर लो इनको नीचे नीचे की पहले मल्टीप्लाई 2 बन जा 2 फिर 2 और m का मल्टीप्लाई 2m माइनस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 1m ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 ही रहेगा फिजिकल टू। इसी तरह से यहाँ पे करना है 3 बन जा 3 फिर 3 का इससे मल्टीप्लाई करो पहले नीचे नीचे का फिर ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई 3 बन जा 3 फिर ये माइनस 1 और m का मल्टीप्लाई 1m और यहाँ माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2 ठीक है 2m और 2m में से m सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1m बचेगा प्लस 1 अपॉन 2 इजिकल टू 3 प्लस का है 2 भी प्लस का है 3 और 2 हो जाते हैं 5 5 माइनस m अपॉन 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है डी एफ पहले ऐसे ही कर लीजिए क्रॉस ही करें डायरेक्ट 3 और m का मल्टीप्लाई 3m प्लस 3 और 1 का मल्टीप्लाई 3 इजिकल टू अब ये 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों के लिए 2 5 जा 10 माइनस 2 और m का मल्टीप्लाई 2m अब ये 3 इधर ट्रांसपोज कर लीजिए 2m को इधर ट्रांसपोज कर लेना है यहाँ पे पहले इसी को ऐड कर लीजिए 3m माइनस का 2m इधर लाएंगे प्लस का 2m हो जाएगा इजिकल टू 10 3 को ट्रांसपोज करेंगे प्लस का इधर आके ये माइनस का हो जाएगा 3m 2m हो जाते हैं 5m इजिकल टू 10 में से 3 सेपरेट कर लेंगे तो बचेगा 7। अब ये 5 ट्रांसपोज कर देंगे करना m इजिकल टू 7 और ये मल्टीप्लाई का 5 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा यानी m इजिकल टू 7 अपॉन 5 फाइनली आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इससे पहले इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है सिंप्लीफाई एंड सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। तो सिंप्लीफाई रेड किया हुआ नहीं होता तब भी हमें सॉल्व करना था ठीक है। इनको सॉल्व करने के लिए पहले हमें ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन करने के लिए रूल ये होता है कि ब्रैकेट से पहले जो चिपका हुआ है साथ में उससे मल्टीप्लाई करके ओपन कर देते हैं। जैसे 3 से इन दोनों के लिए मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो 3 और टी का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3t माइनस 3 जा 9 इज इक्वल टू अब 5 से इनके लिए मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 2t को मल्टीप्लाई कीजिए 2t 4t बार बार आ रहा है तो 5 2 या 10 10t प्लस 5 बन जा 5 10t इधर ट्रांसपोज कर लीजिए 3t माइनस का हो जाएगा 10t इधर आके इधर जब 10t ट्रांसपोज करेंगे माइनस का इजिकल टू 5 बचा माइनस का 9 इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 9 ठीक है 3t में से माइनस 10t सेपरेट करेंगे माइनस का बचेगा 70 इजिकल टू 4 और 9 हो जाते हैं 14 ओके डियर ये माइनस इधर ट्रांसपोज कर लेंगे माइनस का माइनस हो जाएगा और टी ऐसे करके ऐड कर सकते हैं टी इजिकल टू माइनस 14 अपॉन 7 यहाँ पर ये मल्टीप्लाई से ले जा रहा है इसलिए साइन नहीं बदलेगा। आप सोचें माइनस 7 इधर आके प्लस का हो जाएगा ये जो है मल्टीप्लाई के उससे ले जा रहा है क्योंकि 7 और टी के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो 7 2 जा 14 यानी कि टी इज इक्वल टू माइनस 2 यहाँ पर वैल्यू आ गई टी की। सेम एज हेयर यहाँ भी यही करना है पहले ये 15 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 2 से इनको मल्टीप्लाई कीजिए और 5 से इनको मल्टीप्लाई कीजिए ब्रैकेट जो है ओपन हो जाएंगे तो हम करते हैं 15 और बाई का मल्टीप्लाई 15 बाई फिर माइनस 15 4 का मल्टीप्लाई 60 इसी तरह से 2 और बाई माइनस 2 का और बाई का मल्टीप्लाई माइनस 2 बाई अब देखिए माइनस का 2 और माइनस का 9 का मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसका ध्यान रखें ये मिस्टेक बच्चे कर देते हैं ब्रैकेट के साथ पहले अगर माइनस लगा हुआ है यहाँ पर किसी जिससे ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे तो 2 9 जा हो जाएंगे 18 अगर यहाँ माइनस लगा हुआ तब चेंज होते हैं प्लस जैसे ये प्लस का था तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ जैसे थे वैसे ही रहा यहाँ भी प्लस का इसमें कुछ भी साइन चेंज नहीं हुआ प्लस 5 और बाई का मल्टीप्लाई 5 बाई प्लस 5 और 6 का मल्टीप्लाई 5 6 जा 30 इजिकल टू 0 ओके डियर 15 बाई और में से 15 बाई माइनस का 2 बाई 15 बाई में से 2 बाई सेपरेट हो गया 15 में से 2 बाई सेपरेट हो 13 बाई में 5 बाई ऐड हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है 13 5 18 बाई हमारे पास जो बाई आ गया वो है 18 बाई 30 और 18 हो जाता है 48 प्लस का माइनस का 60 ऐसे करके ऐड कर लेंगे माइनस का 60 प्लस का 48 इजिकल टू 0 यहाँ पे क्या होगा सब्ट्रैक्ट कर देंगे ठीक है कितना बचेगा 12 माइनस का 18 बाई माइनस 12 इजिकल टू 0
अभी माइनस 12 उधर ले जाइए, राइट करेंगे 18 बाई इजिकल टू 0, माइनस का 12 इधर आएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, 0 में 12 ऐड कर देंगे कितना बन जाएगा, 12 ही रहेगा, तो बाई इजिकल टू हो जाएगा 12, 18 जाएगा डिवाइड में क्योंकि ये मल्टीप्लाई का है। अब 6 से काट देंगे आप, 6 टू जा 6 थ्री जा 2/3 आ जाएगा, ठीक है, जब ये कट करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, बाई इजिकल टू 2/3, ये फाइनली आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा लॉन्ग है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रैकेट ओपन करने के लिए हम वही काम करेंगे जो भी ब्रैकेट से साथ में बैठा हुआ है, ब्रैकेट के दरवाजे पे बैठा हुआ है, यानी कि जो उससे चिपका हुआ है उससे मल्टीप्लाई करते हुए ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले तो 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15 जेड माइनस 3 7 जा 21 माइनस 2 और 9 जा 18 जेड, यहाँ माइनस माइनस प्लस ध्यान रखें, ये माइनस माइनस का भी मल्टीप्लाई होगा, 2 11 जा 22 इजिकल टू 4 और 8 का मल्टीप्लाई 4 8 जा 32 जेड माइनस 4 और 13 का मल्टीप्लाई 52 13 4 जा 52 माइनस 17। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 15 जेड 18 जेड माइनस का है, 15 जेड में से 18 जेड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना बचेगा, माइनस का 3 जेड माइनस का 21 प्लस का 22, 22 में से 21 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, प्लस का 1 बचेगा, इजिकल टू यहाँ पे 32 जेड, ये तो इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये देखिए दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो 32 जेड और ये दोनों माइनस के हैं, दोनों को ऐड कर लीजिए, माइनस के हो जाएंगे 2 7 9 5 1 6 69, माइनस की 69 हो गई, ठीक है, ये जेड वाला इधर ले आइए, इसको इधर ट्रांसपोज कर दीजिए राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे पहले राइट कर लेंगे माइनस 3 जेड, ये इधर लाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा 32 जेड इजिकल टू माइनस का 69, ये प्लस का इधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में तो ये माइनस का हो जाएगा 1, ये दोनों माइनस के, दोनों को ऐड कर दीजिए, माइनस के हो जाएंगे 35 जेड इजिकल टू ये भी दोनों माइनस के हैं, ये भी दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस के 70 हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, कट गया, जेड इजिकल टू 70 और ये 35 आ जाएगा डिवाइड में, 35 टू जा होते हैं 70, यानी कि जेड इजिकल टू 2 फाइनली आंसर हुआ। ओके डियर, यहाँ पर भी हमें सॉल्व करना है इसी तरह से, 0.25 से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, 0.25 यानी 1 का फोर्थ पार्ट होता है, ठीक है, 1 का देखिए 0.25 को हम जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20 4 2 जा 10 4 2 जा 8 और 2 10, 2 के बाद डेसिमल, आंसर कितना आया 1 यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे इसका मल्टीप्लाई जाएगा 1f हो गया, अब 1f तो 1 ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल f हो गया, फिर इसके बाद यहाँ माइनस 3 का इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15 15 का 5 कैरी हो जाता है 1, फिर 3 2 जा 6 6 1 7, 2 के बाद डेसिमल, यहाँ डेसिमल आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 0.75 आ गया इज इक्वल टू 0.05 से 10 के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, 0.05 से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 5 जा 50 डेसिमल है 2 के बाद, ठीक है, 2 के बाद डेसिमल है, यानी कि यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा 0.50 आ जाएगा, 0.50f, फिर ये माइनस 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 5 जा 45 ओके, 9 5 जा 45 और आपका 2 के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर डेसिमल भी आ जाएगा, यानी कि 0.45। डेसिमल वाले में थोड़ा ध्यान रखें, मल्टीप्लाई करने, मल्टीप्लाई में रॉन्ग कर देते हैं बच्चे, वो नहीं करना है आपको, ये f है, इधर है 0.50f, तो यहाँ पे f ऐड कर लेंगे और ये 0.50f इधर ले आएंगे, ठीक है, 0.50f माइनस का हो जाएगा इधर आएगा तो इजिकल टू, इधर माइनस का बचा 0.45, ये 0.75 प्लस का माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ प्लस 0.75 ऐड कर लेंगे, 1f का मतलब क्या होता है, 1f, ठीक है, यानी 1 में से 0.50 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 में से 0.50 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये 1 है, 1.00 कर लेंगे डेसिमल लगाने के लिए, तो यहाँ पर उतना ही बच जाएगा 0.50, यानी आपके पास बचा जब इसमें से इसको सेपरेट किया तो 0.50f, ओके 0.50f बचा इजिकल टू, इसमें क्या करना है, इसमें से इसको सेपरेट कर देना है क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है,
हम इसको ऊपर राइट कर लेते हैं 0.75 और ये सेपरेट कर दीजिए 0.45। यहाँ 0.7 में से 4 सेपरेट किया 3 यानी 0.30, इधर बचा 0.30। अब ये हमें f की वैल्यू निकालनी है, इसको पहुँचा दीजिए राइट हैंड साइड में, ट्रांसपोज कर दीजिए इसको, f इज इक्वल टू 0.30 और ये मल्टीप्लाई का है तो इधर आके डिवाइड में जाएगा 0.50। डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3.5 बचा, f इज इक्वल टू 3.5। क्योंकि अब ये देखिए डेसिमल में सब हैं इसमें राइट किए हुए, तो हम इसको डेसिमल में बना देंगे, यानी 5 से 3 के लिए डिवाइड कर दीजिए। 5 से 3 के लिए जब डिवाइड करेंगे तो एक तो 0 लगा के यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, 5 6 30, तो यहाँ पे 0.6 ऐड कर सकते हैं या फिर केवल 0.6 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे 0.6, तो इसका 0.6 फाइनली आंसर हो गया। ओके डियर, दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।